हेलो हाय नमस्ते सलाम शाह श्री अकाल आदाब। तो अब हम पहुंच चुके हैं कोची में और यहाँ पे रेलवे स्टेशन कोची टाउन पे हमें ये रेंट अप बाइक यहाँ मिल गई। तो यहाँ से हमने एक स्कूटी बुक कर दी है दोस्तों। अब ये स्कूटी में हमने बुक करते ही डलाया पेट्रोल। कितने की बुक करी है ये देखो स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा। और पेट्रोल हमने 200 रुपये का भरवाया। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी ट्रिप पे और चलते ही चलते हमने प्लान बनाया कि भाई साहब आज कहाँ कहाँ पर कोची में हम घूमने जाएंगे। तो यार देखो बाइक और स्कूटी रेंट करके किसी भी शहर में घूमने का जो मजा है ना वो और किसी चीज़ में नहीं है, लेट मी टेल यू। क्योंकि इसके बाद में हम मुन्नार भी जाएंगे, तेक्कड़ी भी जाएंगे, बहुत सारी जगह जाएंगे, त्रिवेंद्रम जाएंगे, एलएपी जाएंगे, लेकिन वहाँ भी हमें कोई स्कूटी या बाइक रेंट करने को नहीं मिली तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बट कोची में वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें एक स्कूटी मिल गई, तो अब हम इसी से घूमेंगे। तो आइए आपको घुमाते हैं कोची। दोस्तों एक चीज़ होती है ना, जैसे कि मैं आगरा में रहता हूँ, तो आगरा में रहते हुए यहाँ दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है भैंसी डांग की। मतलब यहाँ पे ये सिटी इतनी खूबसूरत, कोची को देख के लगा कि इतनी स्पार्कलिंग क्लीन रोड्स, यार नोबडी इज स्पिटिंग ऑन द रोड्स, इतनी खूबसूरत जगह है ये, देखिए यहाँ के बैक वाटर्स। सच्ची बताऊँ तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार अपनी जिंदगी में शिप्स देखा हूँ अपनी आंखों से। मैंने कोई शिप्स ही नहीं देखे, ये देखो ये शिप्स खड़े हुए हैं हमारी आंखों में और आज हम एक शिप में जाने भी वाले हैं। तो इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। ये थोड़ा आगे जाके इंडियन आर्मी का कोई बेस था और ये लाइन वहीं से चालू जाती है। ये देखिए वॉच टावर, यहाँ से वो लोग देखते हैं नजर रखते हैं। और वेदर देखिए कितना सेक्सी हो रहा है यहाँ का, यार बहुत ही मजेदार ये टेरेन है जहाँ पे हम जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल टिपिकल केरला वाली यहाँ से वाइब आ रही है कि भाई हम बिल्कुल केरला के अंदर ही हैं। हाँ बिल्कुल, कहाँ जाना है, सीधे जाना है कि यहाँ जाना है? अच्छा यहाँ जाना है, ओके ओके ओके। और ये देखिए ये एक और हमें ओवरब्रिज मिल गया, इसको क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे फोर्ट कोची जैसा कि हमें लग रहा है, लेकिन अभी भी 7 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो बस फोक्स यही फाइनल रोड है जो कि हमें लेके जाएगी समुंदर में, बिल्कुल बीच के पास। ये लीजिए guys, we are here at the Fort Kochi beach and ye dekho garmi bahut zyada hai, ye December hai, aaj hai 5 December right, aaj 5 December hai aur yahan bhayankar garmi hai, lekin nazare ke aage sab pe le dekhiye hame yahan pe kya dekhne ko mila, dikh raha hai ye, isko kya kehte hain, क्रिकेट भी नहीं है। Looking like both snake and fish, हाँ? और ये देखो यहाँ पे एक शिप चला रहा है। यहाँ से हम पता है कहाँ जा सकते हैं, लक्षद्वीप जा सकते हैं, लेकिन उसे जाने के लिए 14 घंटे लगते हैं वहाँ से। मतलब आपको दिखेगा इंडिया के मैप पे आप देखोगे लक्षद्वीप तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो समंदर के किनारे पे तो है, लेकिन नहीं भैया 14 घंटे लगते हैं वहाँ जाने के लिए। ये शिप वहीं से आ रहा है। 1503 में इस चर्च को बनाया गया था, भारत के सबसे पुराने यूरोपियन चर्चेस में से एक है। ये देखिए चर्च की एंट्री में कुछ लोग यहाँ पे फुल दामाद की तरह पड़े हुए हैं। तो ये हमें सेंट फ्रांसिस चर्च में, अभी हम फोर्ट कोची जाने वाले थे लेकिन उससे पहले ही हमारा एक बन गया कि भाई सेंट फ्रांसिस चर्च में हमें जाना है। यारिन चलो। हेलो हेलो। सेंट फ्रांसिस चर्च में ये चचा जो है वो फ्रांस से घूमने आए थे, इनसे थोड़ी दिनों बात करेंगे। देखो ये वो जगह है जहाँ से बैठ के पादरी लोग बोलते हैं कि फादर हमने मतलब उनसे आपका इंटरेस्ट कर सकते हो उसकी यहाँ पे, ये वो जगह है जहाँ से स्पीच वगैरह दी जाती है। काफ़ी पुरानी है, 1779 में आई थी। गर्मी लग रही है बहुत, जोर से बोलना बहुत। अच्छा तो दोस्तों चर्च की खासियत ये है कि वास्को डी गामा जिसने यूरोप से इंडिया तक का समुद्री मार्ग की खोज की थी ना 1498 में, उसमें कोई कोड़े उसके पास में कप्पड़ में उतरा, उसके बाद पेड्रो अल्वारेस कैब्राल और अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया और उन्होंने क्या किया, कोचीन के राजा की अनुमति से फोर्ट कोची समुद्र तट पर फोर्ट एमैनुअल का निर्माण किया और किले के भीतर उन्होंने लकड़ी की संरचना वाला एक चर्च भी बनवाया जो कि इटालिया। We are coming from Agra. Agra? Agra, Taj Mahal. Taj Mahal. Yeah. Okay. फिर इनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई, इसके बाद मैंने बोल दिया ऑलराइट, नाइस मीटिंग यू। और हम निकल आए बाहर, हमें भैया मिले। क्या चीज़? नहीं भैया वो स्कूटी होते हैं क्या?
लोग बढ़िया है यहाँ के, मना कर दो तो भी बुरा नहीं मानते हैं। ये मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए हम स्कूटी पे हेलमेट छोड़ के गए थे बहुत देर पहले, अभी तो हमारा हेलमेट किसी ने चुराया नहीं, सो दिस इज द सेफेस्ट स्टेट आई गेस जहाँ पे ऐसा होता है। फोन आ गया। हेलो हेलो, व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस? हां, एनीथिंग इन मैग्नेट और फ्रिज मैग्नेट इन दिस टाइम? फ्रिज मैग्नेट इन दैट साइज, फ्रिज मैग्नेट इन दैट साइज। This size and we'll get or, this one. Yeah, shape can be done. This size and metal. This size. Hmm. No, this is not That's metal. How much for this? That is 80. 80 rupees. Metal. Make it. We were in Ladakh and all these things were 50 rupees no, only. This is metal. How much? 50 rupees. This is normal. All right. But we will take many things, so you will give a discount, right? Huh? Actually, not that much. From the corner, no less than 150. कपड़ों के अलावा बहुत सारी फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह और यहाँ पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं। हमें एक एलिफेंट खरीदना था, अल्टीमेटली हम खरीद ही लेंगे, बट यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिक चीजें हैं जो कि आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़े क्लास में। सारा शीशो यही है। सो ये पूरा का पूरा केरला का बीच का वो है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ बेबी, मेरे तो सारे सरकी जा रही है ये वाली कैब। फिर हम पहुंच गए पॉइंट पे जहाँ से इस फैली में सामने आपको दिख रही है, बैठके में जाना है। टू बी कोकोनट वाटर? या कोकोनट वाटर? या टू टू प्लीज। टू ओके। चाय बन नहीं। ये देखो नारियल पानी चल रहा है, कैसा टेस्ट है उनको? अच्छा है। इसका कॉस्ट क्या है यहाँ पे केरला में? इसका कॉस्ट क्या है? बट इज द प्राइस ऑफ कोकोनट वाटर 50 रुपीस हियर आल्सो, यू नो सेम प्राइस इन आगरा फ्रॉम वेयर वी कम 50 रुपीस। वी थॉट कि इट विल बी लेस हियर द प्राइसेस ऑफ इट, बट प्राइस okay, these are all for queue. All right, so okay, give us 10 rupees. Two tickets for us, motorcycle only for that 10 rupees. All right, that's it. Hmm? Yeah, vehicle ID please. No, let about a please stand here. Yeah, I've sent it here. Thank you. ओके तो अभी हम फोर्ट कोची के पास में हैं और यहाँ पर देखो ये जो लाइन लगी हुई है, इधर हमने एक पर्ची ली है 10 रुपये की हमारी स्कूटी के लिए। सो ये वो 10 रुपये की पर्ची है और इसके थ्रू हम उस तरफ जा सकते हैं। अंकल ने हमें एक जगह बताई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, भूल गया हमें, वहीं जाके पता चलेगा। और लोगों का कोई भी चार्ज नहीं होता यहाँ पे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो स्कूटी है उसके 10 रुपये चार्ज होते हैं। यू कांट इमेजिन सच थिंग्स इन नॉर्थ कि आपको फ्री एक बोट राइड मिलेगी एक शिप पे और हम उस साइड जा सकते हैं 7 किलोमीटर अराउंड और फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। तो देखते हैं। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे फेरी बिल्कुल आ चुकी है, बिल्कुल आने वाली है। ये जो बोर्ड हमें दिखाई दे रही है सामने, इसी में देखो आपको दिख रही होगी एक बस आ रही है और इस पर अपनी स्कूटी, ये जो स्कूटी जिस पर मैं बैठा हूँ उन्होंने देखा, इसको हम उससे लेके जाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हो वो वर्कर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे और इवन जो स्विगी जोमेटो की डिलीवरी होती है वो भी इसी के थ्रू होती है यहाँ पे। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ऐसे डिलीवरी होती है यहाँ पे, देख रहे हो इस बोर्ड में उस साइड जाके 7.5 किलोमीटर दूर जाके डिलीवरी होगी। एंड यू कैन सी सो मेनी पीपल अराउंड जो कि यहाँ पे आ रहे हैं और ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि यार एक ऐसी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी।
और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सिर्फ 10 रुपये में मेरी स्कूटी का चार्ज होगी, अगर मैं जाना चाहूँ तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नंबर ऑफ टाइम्स। तो अभी देखते हैं एक्साइटमेंट क्या है। तो देखो मेरी फेरी जो फेरी है, मेरी स्कूटी जो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, शायद मैंने बहुत देर तक बैटरी ऑन रखी, उसकी बैटरी शायद कमजोर हुई, स्टार्ट नहीं हो रही, तो वैसे डग्गा मार के उसको चढ़ा रहा हूँ उस पर। बाकी सब लोग भी देखो डेली ऐसे ही कम्यूट कर रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे वगैरह सब चार्ज। सो वी कैन रोम आवर स्कूटी अराउंड एंड एंड दीज काइंड ऑफ शिप्स दे जस्ट कीप मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर। ऑलराइट, दैट प्लेस वी हैव टू गो। हाउ मच फार अवे इट इज? 3-4 kilometers. अच्छा, 2-3 minute राइड ओनली। ओके, सो आर वी गोइंग देयर? ओके, ऑलराइट, देयर आर सो मेनी स्टॉप्स, ओनली वन स्टॉप, टू स्टॉप, एंड व्हाट शुड, वेयर शुड वी टेक ऑफ फ्रॉम दिस बोट? द फर्स्ट स्टॉप और सेकंड स्टॉप शुड बी सेकंड? From Agra. तो ये देखो हमारी फेरी चलनी स्टार्ट हो गई है और हमने डिसाइड किया कि हम जो आगे जो पॉइंट दिख रहा है इसी पे उतर जाएंगे। फेरी जो है 3 जगह जाती है, जैसा कि उस लड़के ने बताया, तो पहले पॉइंट पे उतर जाएंगे। अब हमारा डिसीजन सही रहेगा या नहीं तो जाके ही पता चलेगा। सो लेट्स सी, बस पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ पे पहुंचने वाले हैं बस। तो मैं यहीं पे उतर गया दोस्तों, और इसके बाद देखो हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी स्कूटी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई यार, पता नहीं स्टार्ट होगी या नहीं होगी। सो स्कूटी हमारी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और हम सीधे यहाँ से निकलेंगे एर्नाकुलम की तरफ। देखते हैं ये रास्ता कितना लंबा है और हमें कहाँ पे जाना है। अब देखो आउटसाइडर होने का यही एक लॉस होता है, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे एक ओवर ब्रिज है जिसपे हम भी चल रहे हैं, और ये हम फेरी से भी क्रॉस करके आ सकते थे, बट हम वहीं उतर गए। कुछ खाने को देखते हैं यार। ये ऑरेंज जूस इतना टेस्टी और इतना मीठा था कि मुझे लग रहा है मैं अपनी जिंदगी में पहली बार पिया। अब हम दोस्तों आ गए जूस मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारा रश है, जाम लगा हुआ है एक्चुअली आगे चल के तो। और लेकिन हमें यहाँ पे मतलब ऑथेंटिक केले के चिप्स वगैरह, और जैसा कि कराची हलवा होता है ना, ऐसे कालीकट हलवा भी होता है, कालीकट हलवा, तो वो हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही रश भरी मार्केट है, एक जूस टाउन अलग है, जूस मार्केट अलग है। तो अल्टीमेटली यही वो शॉप है मलाबार चिप्स के नाम से, और यहाँ पे हम चिप्स खरीदेंगे, बहुत सारे आइटम्स खरीदेंगे जो भी यहाँ के लोकल अथेंटिक आइटम्स हैं वो हम खरीदेंगे यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। लेट्स ट्राई दीज चिप्स। आगे निकल लिए हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे जाएं, अभी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। एक और खूबसूरत चर्च, मतलब यहाँ पे चर्च ज़्यादा है मंदिर का, मैं कोची में। अरे देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ जैसे आलू प्याज वगैरह ये सब भर भर के जाते हैं, यहाँ पे केले की भी उतनी औकात है, आलू प्याज की तरह ऐसे भर भर के पूरे शहर में भरे पड़े हैं। और ये देखिए हमें यहाँ पे क्या नज़र आता है, यहाँ की लोकल मेट्रो। ओहो, इसका एक्सपीरियंस हम नहीं ले पाएंगे, हमें स्कूटी ले ली है और एक ही दिन हमारा कोची में है, तो इसका एक्सपीरियंस बाद में कभी लेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग हमें ये नज़र आ रही है यहाँ पे, क्या हो सकता है, ये भी शायद कोई चर्च ही। हाँ, ये भी एक चर्च ही है यहाँ, मैं जैसे कि बता रहा था ना, चर्चेज बहुत ज़्यादा हैं। सेंट जोसेफ बेथलहम चर्च है ये। अब लगी भैया भयंकर भूख, तो हमने कहा कोई रॉ खाना खाते हैं यहाँ का। बिल्कुल, ये देखिए चावल या चापड़म या जो भी बोलो पाल जो भी बोलते हैं यहाँ पे, ये हम खा रहे हैं यहाँ का ऑथेंटिक है, बहुत ही टेस्टी लजीज। इसको हम अभी चखने वाले, मैं तो देखो स्टार्ट ही हो गया हूँ, सोनाक्षी वीडियो बना रही है और बहुत ही टेस्टी है। ये देखो पंजाबी कुड़ी कभी हाथ से खाना नहीं खाती थी, आज उसको हाथ से खाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ इनके पास चम्मच वगैरह होती नहीं, लेकिन फिर भी देखो तम तो दिखा रही है। इसके बाद हम जाएंगे म्यूजियम, तो कहाँ है म्यूजियम का गेट? यही है म्यूजियम का गेट। पैलेस म्यूजियम, ये आने का था भाई, तुम उल्टे क्यों चलते हो? सो वेयर आर वी गोइंग? मेटेंचेरी म्यूजियम, ज्यूइश म्यूजियम, ज्यूइश। और ये म्यूजियम दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग भी था, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये मुझे काफी बोरिंग लगा यहाँ पे आना।
और देखो उस टाइम के कुछ फोटोग्राफ्स तो हम आपको दिखा ही सकते हैं और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं इसके बारे में। ये आगे बहुत ही ज्यादा पुरानी टेबल है, देखो इस पर कुछ लिखा भी हुआ है, टेक वो टेबल है, डच फर्नीचर है ये। तो फ्रेंड्स हम देखने आए थे मेट इन चेरी म्यूजियम, जिसमें वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने फोटोज खींची हैं जो कि मैं भूत बनने केरला में जो कि मैं यूज करूंगी इस वीडियो के अंदर और आपको भी दिखाऊंगी कि एंटिक पीसेस जो हैं राजाओं के 17वीं, 18वीं, 15वीं शताब्दी से स्टार्ट है ना, 15वीं शताब्दी से जो है एंटिक चीज़ें इसके अंदर रखी हुई म्यूजियम के, जो फोटोज खींच सकती थी वो है। और बाकी जो है श्री राम जी का, कृष्ण जी के कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं, दीवार पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो बहुत पुरानी हैं, वो भी हैं, उनकी फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं था। तो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ करेंगे, पता नहीं, बड़ी मुश्किल से ये मिली थी पूरा शहर घूमने के बाद। चलो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये जो ऊपर हाथी आपको नजर आ रहे हैं, इन पे हमारा बहुत दिल आया हुआ है, तो ये सब तो हम जरूर खरीदेंगे यहाँ से। ये लग रही है यही है पुरानी। वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं ठंड। ये मार्केट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है फोक्स यार, चीव टाउन है, हमारा दिल आ गया इस पे। और यहाँ की फिल्टर कॉफी मैंने देखी थी यार, जो कांसे के दो बर्तनों में, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ग्लास टाइप होता है, कप टाइप होता है, उसको उसमें कॉफी पीने का यहाँ पे थोड़ा प्रबंध था। अपने नॉर्थ में तो बहुत ही कम मिलता है, तो हम यहाँ पे आए, बहुत ही एक एंशियंट टाइप विंटेज फीलिंग आ रही थी यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में। तो ये कैफे है, नॉट रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हमें कॉफी पीने का, कॉफी बहुत ही टेस्टी थी दोस्तों। उसके बाद हम निकल गए कथक कली देखने के लिए। तो ये वहाँ का एक कथक कली कल्चरल सेंटर है, जहाँ पे हमने टिकट खरीदी है 500 रुपीज़ पर हेड। तो यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स थे। ही इज डूइंग मेकअप फॉर हिज कथक कली डांस। जिसमें जिंजर का टेस्ट होगा। आ गई इसके बाद हम यहाँ से निकल गए अपने होटल और हम सो गए। अगले दिन हम निकलेंगे मुन्नार के लिए, तो अगले दिन का व्लॉग अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।